जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, हस्तिनापुर की पावन धरा पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व की सुख शांति समृद्धि के लिए 48 दिवसीय भक्तामर विधान एवं पाठ भक्तिभाव से संपन्न हुआ। कल यानी 30 मार्च को इस आयोजन का समापन हवन के माध्यम से किया गया। प्रातः काल अभिषेक एवं शांति धारा से दिन का शुभारम्भ हुआ। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवय द्रवय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेंजिनवी सेचियामा ओम नीम श्री विश्वादि वीरांतंजलि विष्णप्यामा ओम नीम श्री विश्वादि वीरांतंजलि विष्णप्यामा ओम नीम श्री विश्वादि श्री रमेश चंजी जैन सा परिवार से अरुण कांत संगीत कांत जैन सा परिवार से सलील जी सिद्धार्थ जैन सा परिवार से श्री विनोद कल्पना जैन सुनील जैन दीपक जैन सा परिवार से नरेंद्र कुमार जी जैन सा परिवार से श्री विनोद जी जैन सा परिवार से सुशील जी जैन सा परिवार से एवं उपस्थित श्री आजाद जी जैन सा परिवार से उपस्थित समस्त इंद्र इंद्राणी तर्जनालय से जिन विमेभ्यो भरत बाहुबली चरणारविंदेभ्यो शांति धारा पुनर्गम निपामेति। शांति धारा के उपरांत भक्तों ने भक्ति भाव से आरती उतारी। भक्ति मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी आया तेरे द्वार। आरती के उपरांत पूजन एवं हवन संपन्न किया गया। चलेंगे शीश झुकाते हैं सस्ती श्री अभिनंदना श्री सुमन पूजे श्री विमला सस्ती सस्ती श्री अनंता श्री धर्म सस्ती सस्ती श्री सती श्री अरहनाता श्री मल्ली सस्ती सस्ती श्री मुनि सुभदा श्री सस्ती श्री वर्धमान आदि नाम लगे प्यारा इन्हें हम शीश झुकाते हैं। पुष्पांजलि चिबे 64 रिद्धि धारी ने तिराएंगे मम ज्ञान मल पदार्थ अत्रियोतरोतर शंभो सटिति आवागनम जय हो जय हो चेते चेत्यालय समय अत्र तिष्ठति ठाठाई स्थापनी नरं सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेते चेत्याले समय अत्र मम सन्नितोख भवो भवो बसन सन्निधि करणम। जी भर के पहनो गहना माता के महलों में जी भर झुलाओ पल्ला मेहंदी लगाओ रहना जी भर के पहनो गहना मेहंदी लगाओ गहना जी भर के पहनो गहना माता के महलों में मिलकर झुलाओ पल्ला मेहंदी लगाओ गहना जी भर के पहनो गहना होय 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 मेहंदी लगाओ बहना जी भर के पहनो गहना वेद कराती दिव्य धनी है कल्याणी ओम दीम जिन मको द्वादश अंग में जिन वाणी माता छुदा कामण विद्वन ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानू हाँ ओ पूनम के चंदा गुरुवर तुमको अपना मानू और मेरे मन के आंगन में एक बार खिलो तो जानू। हो हमारे बीच पालम से श्री रमेश चंद जैन और मौजूद हैं जिन्होंने अपनी चंचल लक्ष्मी का यहाँ हमेशा सदुपयोग
करते रहते हैं। इन्होंने जलगिरह, धर्मशालाओं में निर्माण और बरामदे का निर्माण कराया और समय समय पर दान देते रहते हैं। ऐसे रमेश चंद पालम वालों का मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हमारे महामंत्री महोदय ने बताया, और आप तो चेहरे से ही देख के पता चलता है कितने सौम्य हैं, कितने हसमुख हैं, और जब भी कोई बात करते हैं तो ऐसे किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते। ये हमारे जो पहले हमारे एक अनिल जी जिनका एक द्वारा मंदिर बनाया गया था, और अब हम इनसे ऐसी आशा रखते हैं कि वो भी हमें समय समय पर ऐसे ही साथ साथ कैलाश पर एक यहाँ पर अभी कुछ घुटनों की सबकी प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से चढ़ने में बहुत समस्याएं आती हैं। मैं तो पारस टीवी के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा, अगर कोई दानदातार इस पाठ के समापन के उपलक्ष्य में या किसी भी उपलक्ष्य में हमें एक लिफ्ट के लिए, जो कि हम यहाँ से सीधे जमीन से सीधे पास ये आदिनाथ तक ये मंदिर तक पहुँच जाए, ऐसा कोई अगर मैं दातार मिल जाए तो मैं उसके लिए आमंत्रित करता हूँ। और मैं बाबूजी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इनका भी मन बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। करीबन 1300 पाठ हमारे उगे गए, जिन जिन ने भी अपने पसीना परिश्रम का द्रव्य यहाँ पर दान दिया है, वो सभी के सभी बंधु श्रावकगण धन्यवाद के पात्र हैं, और उनके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे और उनका परिवार मंगलमय बना रहे, यही उनके इस प्रति आशीष की भावना के। फिर इसके पश्चात मुझे तो वो देने वाले श्रावकगण देते रहते थे, लेकिन बनवाने का काम मैं ना करके सुनील जी को हमेशा फोन खटखटाते थे, भैया उन श्रावक ने ये दिया है, आप उसको बनवा दो, क्योंकि प्राइज रहती है। या और भी जो यहाँ पर काम करने वाले अतिथियों का सम्मान करते हैं, तो मोतीलाल जी लंदन वाले, पेमेला जी की यहाँ पर बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए, सभी कर्मचारियों को हमेशा इनकी तरफ से ही यहाँ पर गिफ्ट दी जाती है, इनका जोरदार तालियों से सभी बच्चे सम्मान करेंगे कि इनकी तरफ से ही आप लोगों को लंच बॉक्स, बॉटल और इस बार बैग दिए जा रहे हैं। विधान में सुनीता दीदी के पावन निर्देशन में हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। दीदी का छोटे बच्चों के प्रति जो वात्सल्य के साथ उनको धर्म में जोड़ने की कला आचार्य श्री की सच्ची शिष्या होने का प्रमाण देता है। इस विधान में सुदीप शास्त्री का मंगल कलश स्थापना करता, झंडा रोहण करता, दीप प्रज्वलन करता, सामग्री प्रदाता, भोजन प्रदाता एम 48 31 24 21 11 5 5 व 1 पाठ कराने वाले परिवार व विनोद एम म्यूजिक ग्रुप, पारस चैनल एम पत्रकार बंधु एम इस विधान के में अपना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए तीर्थ क्षेत्र कमेटी बड़ा मंदिर हसनापुर के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चों व गुरुकुल कमेटी के स्थानीय जैन समाज एवं बड़ा मंदिर व कैलाश पर्वत समस्त स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिसका सहयोग हमें सभी मिलता रहता है। अंत में एक बार पुण्य सभी गुरुओं के पावन चरणों में नमन करते हुए आप सभी से आशा व्यक्त करता हूँ, क्षेत्र के प्रति आपका सहयोग एवं समर्पण पर आगे भी हमें इसी तरह मिलता रहेगा। इस वर्ष 8421 परिवारों ने विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, यह सब आप सभी के समर्पण सहयोग से ही संभव हो पाया है। हस्तनापुर की ये धारा प्राचीन समय से ही तीर्थंकरों के चरण रस से तो पवित्र है ही,
लेकिन उसी चरण रज को कायम रखने के लिए यहाँ पर संस्था के पदाधिकारी गण प्रति वर्ष यहाँ पर भक्तांबर का पाठ का समापन दिवस हुआ ही नहीं कि अब वहाँ पर बड़े मंदिर में जो भूगर्भ से अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के समक्ष 40 दिवसीय शांति विधान का पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। जिन शांतिनाथ भगवान की मुख मुद्रा को देखते ही भक्तों के जीवन की उलझने सुलझ करके मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के चरणों में पुनः आने का आप सभी के लिए सु अवसर मिला है। और शांतिनाथ भगवान के चरणों में यहाँ कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सभी वृद्धों के लिए भी जिनके पैर भी ना चले तो यहाँ पर उन शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके 40 दिवसे अपनी अखंड भक्त शांति विधान की आराधना करके अपने जीवन को सफल बनाएं। 14 मई से 22 जून तक शांतिनाथ भगवान के चरणों में शांति विधान की 64 रिद्धियों से युक्त यहाँ महा अर्चना की नहीं जा रही है। आप सभी अवश्य आए, 40 विधान, 21 विधान, 11 विधान और ना तो एक विधान तो अवश्य अपने जीवन में करवाएं और करवाने के बाद में उसका प्रतिफल अवश्य महसूस करें। बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। आज पूर्ण हो गया है, पूर्ण हो गया है उसके करने में, उसके करने में मन वचन काय से, मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से, कृतकारित अनुमोदना से किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की भावों के माध्यम से, भावों के माध्यम से अशुद्धि हुई हो, अशुद्धि हुई हो, विघ्न हुआ हो, विघ्न हुआ हो, अज्ञानी बालक क्षमा समझ कर इनका क्षमा कर अपराध क्षमा करे, अपराध क्षमा करे। श्री राम बोधि जलम सुवर्ण गेपितम नौ रत्न गंधाच पुष्पादिमा मोदकम पवित्रम करो करो झम 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 वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम सह स्वाहा इति मंत्रेणे जल पवित्रीकरणम ओम रीम रम स्वस्ति विधानाय पुण्याय वाचनार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि। दर्शनाय ओम सम्यक ज्ञानाय ओम इज्ञा वैशिष्ट अभ्यनाय इतिता कर्वता अर्घ जाताय नमः परम जाताय नमः पर अनुपमम जाताय नमः स्वप्रदानाय वादाय नमः अनंत ज्ञानाय नमः अनय नमः अच्छेदाय नमः अविद्याय नमः अजराय नमः अगर्भवासाय नमः। आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय। हवन के उपरांत समिति की ओर से विधानकर्ता एवं सहयोगी सांत्वना पुरस्कार अनामिका बंडा सलील जैन देहरादून पुष्पा जैन शहादरा।